सभी को मेरा प्यार और नमस्कार और सलाम। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स दूंगा सुब्बा सर को कि उन्होंने मुझे कास्ट किया अपनी इस फिल्म के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं भोजपुरी में कम से कम 5-6 फिल्म कर चुका हूँ और मैं खुद ढूंढ रहा था कोई ऐसे निर्देशक के साथ काम करूँ जिसमें मैं अपनी प्रतिभा को दिखा सकूँ। और थैंक्स टू राव सर, जो किसी नाम की मोहताज नहीं, वो भी तेलुगु के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो इस समय हमारे पास मौजूद हैं। थोड़ी देर में आप लोगों से भी मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच सुब्बा सर को और राव सर को कि उन्होंने बिलीव किया कि मैं भोजपुरी का एक ऐसा लड़का हूँ, एक ऐसा एक्टर हूँ जो उनके इस करेक्टर में फिट हो सकता हूँ। साउथ ईस्टर्न कास्ट के साथ काम करेंगे आप? या ये मेरा सौभाग्य है, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे जहाँ काम मिलेगा मैं करूँगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऑलरेडी बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। पाकी जी एक लेजेंडरी हैं यहाँ की, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सर आपका बैकग्राउंड चाहूँ, क्या बैकग्राउंड एक्टिंग में, कैसे आना हुआ और क्या प्रोजेक्ट किया पहले, उसके बारे में बताइए। बैकग्राउंड मेरा कुछ ऐसा नहीं है। नॉर्मली जो भोजपुरी के स्टार्स होते हैं या एक्टर होते हैं वो सिंगर होते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ और डांस का शौक था, तो मैंने एक महुआ टीवी पर एक रियलिटी शो आया था नाच नचिया धूम मचिया, उसमें मैं विनर था, मैं सेकंड प्लेस पे था। तो उसके बाद से मेरी जर्नी भोजपुरी इंडस्ट्री में चालू हो गई और धीरे धीरे करते मैं एक एक्टर का रूप ले लिया। तो ये बताइए, ये जो फिल्म में जो रोल प्ले कर रहे हैं पाकी हेगड़े जी भी, है क्या बेसिकली रोल है और क्या थीम क्या बेसिकली इस फिल्म का? ये थीम तो आपको फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगी, बट इतना है कि फिल्म में बहुत मसाला है। और जैसा कि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, मंटू भाई और नीलम जी भी आई हुई हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और मेरे सर ने आप लोगों को बता दिया है, तो इस चीज़ की जो जिम्मेदारी है स्टोरी की, वो सर ही ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। मसाला वेज है कि नॉन वेज है? दोनों है, मंगल बृहस्पत और शनिवार को आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा। तो इसमें साउथ वाला का छोटा भाई है, ये शिवशंकर का भाई है, इसमें ये फर्स्ट ऑफ में डरबुक कैरेक्टर है, इंटरवल में है डरबुक कैरेक्टर है, ये फाइट करने का डरते है, कुछ हम लोग शॉटिंग से चिल्लाया उनको डरते, ऐसा कैरेक्टर इंटरवल में क्यों इतना हिम्मत से कैसा आ गया हिम्मत, ये उनको वो दिखाते हैं उनका ताकत। निशा जी, सुबह जी तो बाकी काम कर चुके हैं, आप अभी पहला काम कर रहे हैं, कितना नर्वस है? नर्वस भी हूँ क्योंकि बहुत लेजेंड डायरेक्टर हैं सर और बहुत कुछ सीखना है इनके साथ, और इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ कि जब मैंने अपना डांस का करियर स्टार्ट किया था उस समय मैं इनकी फिल्म में एज ए असिस्टेंट कोरियोग्राफर गया था, दिलेर फिल्म थी, सर डायरेक्ट कर रहे थे रवा जी को, और सर ने बोला था कि तुम कुछ करोगे, तो हो सकता है सर की बात वो सच हो गई और आज मैं एज ए स्टार सर के साथ काम कर रहा हूँ। इनके बाद आज मौका मिला इनको, इज माई लक। पाकी जी का क्या कर रहे हैं? पाकी जी बहुत अच्छी हैं, वो भी जब मैं एक रियलिटी शो में मैं पार्ट किया था तब वो एज ए गेस्ट बन के आई थी, और वहाँ भी उन्होंने मुझे एक ये भावना दी थी कि तुम कुछ आगे अच्छा करोगे। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों का प्यार है कि मैं आज इतने लीजेंड्स के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। मेरा भी नेक्स्ट मंथ मेरी फिल्म कम्प्लीट हो जाएगी नकली नवाब, वो लोग आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मेरी एक फिल्म आ रही है रावड़ी धाकड़ सिंह, और एक फिल्म आ रही है सांस में भौजाई, और इसके बाद ही आई थिंक मेरी ये फिल्म प्रोडक्शन नंबर 1 नए टाइटल के साथ रिलीज हो जाएगी। सुपर जी, पाकी के लिए कमबैक हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या कुछ प्लान किया है स्पेशल? प्लान मतलब यही है, सोचिए ज़्यादा साल के बाद हमका दोनों कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन है पाकी जी का। 10 साल नहीं है, अभी हो गया 6 साल ऐसा कुछ हो गया है, ये करके फिर कॉम्बिनेशन में री एंट्री हो रहा हूँ। वो री एंट्री में पाकी हेगड़े को मैं दिखाना चाहता हूँ, कैसे दिखाए तो लोग फिर पसंद करेगा। आज भी पाकी हेगड़े को देखने को लोग की है, ये मैं किया तो देखेगा 100%, ऐसा कहाँ दिखा हूँ। अभी कल रिलीज हो गई तो मालूम पड़ेगा मैं क्या किया, गलती किया नहीं तो सुब्बा जी सही किया। आप लोग भी बोलते हैं पिक्चर देख कर, सुब्बा जी वो दिन बोल दिया क्या है, लेकिन अच्छा है ये, हम लोग बहुत मन से कर रहा हूँ, मन से लिखा है, सब अच्छा कर रहा हूँ। हिट फ्लॉप ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, ये हमका हाथ में नहीं। फिल्म शूटिंग कब से स्टार्ट होने वाला है? मार्च 20 से शुरू हो जाएगा ये शूटिंग, श्री गौरी क्रिएशंस का प्रोडक्शन नंबर 1 अप्रैल 20 को खत्म हो जाएगा। ये शूटिंग साउथ में करेंगे। कहाँ पे? नीलम जी, क्या नाम? आप क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं ये तो सुबह जी बताएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कुछ
देखो कर क्या रही हूँ ये तो सुबह जी बताएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ कर रही हूँ। और मेरे जो उनका जो है तलवार लेके दौड़ती रहती हूँ वही। किडनैप करने प्लान चल रहा क्या? नहीं किडनैप तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अगर हर चीज बता दिए तो फिर। सुबह जी जरा कुछ ना कुछ का फैसला करिए। फाइनल हो गए तो इधर बैठेगा, फाइनल नहीं हो तो क्यों बैठेंगे। बट एक्चुअली बिगिनिंग से क्या है, सुबह जी पिक्चर कर रहा बोले तो आर्टिस्ट को मैं ये कैरेक्टर है अब करना पड़ेगा। ओके सुबह जी मैं करेंगे, सुबह जी तो उसमें क्या करते है? खाली हम लोग को कि दो सीन है, तीन सीन है, नहीं तो एक सीन है, नहीं तो करेंगे एक्टिंग नहीं है। बुलाया, टिकट डाल दिया, उधर आ गया, बैठ गया। मैं सुबह जी की अपनी खुद की भोजपुरी की दूसरी फिल्म थी मेरी हीरो, पहली थी एक बिहारी सौंपे बिहारी, तब से सुबह जी के साथ जुड़ी हूँ। हीरो बैक टू बैक, टाइगर, रबी सुनो ससुर जी के लिए भी आया था तो नहीं दे पाए टाइम, तो अभी बहुत दिन बाद वापस हम लोग जुड़े हैं, कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही करेंगे। बाकी जी फिल्म से जुड़ी है कुछ करना चाहेंगे? खुशी हो रही है, बाकी जी के साथ तो बहुत किया है काम मैंने, लेकिन अब जो वो दोबारा आ रही हैं और एक अच्छी कलाकार जब सामने होती हैं तो काम करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमको भी काउंटर देने का मौका मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, तो स्क्रीन बहुत अच्छा लगता है जब आमने सामने कलाकार अच्छे हों। धन्यवाद।